भारत में G20 सम्मेलन से पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। वहीं देश के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 सम्मेलन की सफलता के लिए बधाई दी है। इसी उपलक्ष्य में सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता धीरज सिंह चंद्रशेखर फाउंडेशन गुजरात प्रदेश, युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष गुजरात ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। मैं भारतीय जनता पार्टी नेता धीरज सिंह, आप G20 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात जो है, भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में जो G20 का सम्मेलन किया जा रहा है, ये बहुत ही देश के लिए अच्छा है। और हमारा और हमारे संगठन का जहाँ तक मानना है कि कल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला है, इसका देश में क्या पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है। जो इस बार G20 का सम्मेलन हमारे भारत में हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए पार्टी क्या करेगी? देखिए, अभी 2024 का इलेक्शन है, मतलब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुनः आएगी, ऐसा हमारा मानना है। सर, इतना आप डंके की चोट पे कैसे कह सकते हैं कि दोबारा मोदी जी आएंगे? देखिए, डंके की चोट पे कहने की बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से युवा तुर्क पे जो है काम, उन्होंने 2014 में नारा लगाया था कि युवा नई सोच युवा जोश। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 से लेकर के 2023 तक जो काम हुआ है पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी का पंचम फरा रहा है, इसको देखते हुए बाहरी खड़े रहो, जहां हो वहीं आ जाते हैं। 2024 में 400 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। सर, ये जो इंडिया है, इंडिया के बाद इसका भारत जो कहा जा रहा है, उसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया पहले हमारे इंडिया, हिंदुस्तान और भारत तीनों नाम से हमारा देश जाना जाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो नया नाम दिया है उन्होंने भारत का, तो भारत भाग्य विधाता, हम लोगों ने पहले से ये हमारे राष्ट्रगान में कि भारत भाग्य विधाता, इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सेंटेंस को काट करके जो है अभी नया भारत का नाम दिए हैं, इससे पूरे विश्व में हमारा मानना है कि पूरे विश्व में भारत का पंचम फरा रहा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए भारत का नया दिशा दिए है। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है। देखिए, सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को और समाजवासियों को, और मैं भूमिहार समाज से आता हूँ, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम युवाओं को पहली बार देखने को मिला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का डंका जो है पूरे विश्व में पंचम फरा रहा है। यही कामना के साथ में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने और अपने संगठन के तरफ से।